नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके एलएनवी टीवी में। राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है, राजनीतिक दलों की हवा बंद है और खास तौर से घोषित प्रत्याशियों की भी। जहां सही सुना आपने, बागियों ने प्रत्याशियों की हवा बंद करके रखी है। बात करें कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की स्थिति इस समय बड़ी गंभीर दिखलाई दे रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तो ज्यादा ही। मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर मंत्री तथा दमोह विधायक अपराजेय योद्धा के रूप में जिनको पहचाना जाता है, जयंत कुमार मलैया के विरुद्ध वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, अनेक बार सांसद रहे, अनेक बार विधायक रहे, वर्तमान में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। भाई भी निर्दलीय रूप से वह मैदान में कूद पड़े। समीकरण बिल्कुल बनते बिगड़ते देखे जा रहे हैं। मनाने और रूढ़ने का सिलसिला लगातार चलता रहा, पर बाबा नहीं माने। बाबा को मैदान में उतरने का बिल्कुल मन बना चुके थे। 55 विधानसभा 55 से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, जहां से प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी का जयंत कुमार मलैया को। जयंत कुमार मलैया के साथ ही बाबा ने पर्चा दाखिल किया लखन पटेल के विरुद्ध। लखन पटेल भारतीय जनता पार्टी ने लखन पटेल को विधानसभा 54 पथरिया से उम्मीदवार घोषित किया है। लखन पटेल जयंत मलैया के खासों खास माने जाते हैं। बाबा नाराज हैं। बाबा का कहना है कि यह दोनों ही प्रत्याशी इस समय जीत की स्थिति में नहीं है और हम यह दावा करते हैं यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में यह दोनों सीटें ही डालेंगे। अर्थात बाबा का जो कहना है उससे तो यह साफ दिखलाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत की स्थिति में दिखलाई नहीं देती है और कांग्रेस को टक्कर देते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बचाते हुए निर्दलीय रूप में हम यह सीट जीत कर लाएंगे। रूठने मनाने के सिलसिले को लगातार 24 घंटे से अधिक का टाइम निकल गया। बाबा ने ताल ठोक दी, कहा हमने लंगोट कस लिया है और अब हम सबसे लड़ेंगे और ये दोनों की दोनों सीटें भारी मतों से जीत कर लेकर आएंगे। बाबा का बयान बड़ा जबरदस्त रहा। मीडिया के सामने उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह दोनों सीटें हम बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। जयंत कुमार मलैया पर्चा दाखिल करने के पूर्व, जब रामकृष्ण कुशवाहा पर्चा दाखिल करने जा रहे थे उसके पूर्व डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा के निवास स्थल पर गए, उन्हें मनाने का प्रयास किया पर मनाने में नाकामयाब रहे। बाबा हैं कि मानते नहीं और बाबा पहुंचे अपने नाम निर्देशन पत्र को लेकर दोनों ही विधानसभा में दाखिल करवा। शहरों पर से हवाइयां उड़ी हुई थी, खास तौर से जब लखन पटेल से बात की गई तो लखन पटेल ने यह कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जब यह शब्द उनके मुंह से निकला तो निश्चित रूप से बड़ा हास्यास्पद नजर आया कि जब सारी मीडिया में यह सुर्खियां बनी हुई थी कि बाबा पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, परंतु लखन पटेल का यह कहना कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, निश्चित रूप से हास्यास्पद तो था पर चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयां कुछ और कहती नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर जयंत कुमार मलैया से जब चर्चा की तो उनका हर प्रश्न का एक ही जवाब था, नो कमेंट। डॉक्टर सुधा मलैया, जयंत कुमार मलैया की पत्नी, मनाने पहुंची डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा को पर्चा दाखिल करने के समय, पर वह नहीं मना पाई। बाबा है कि मानते नहीं और बाबा ने उठा के अपने दोनों ही विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा 55 दमोह से और विधानसभा 54 पथरिया से
नाम निर्देशन पत्र विधि अनुसार दाखिल कर दिया और मैदान में कूद पड़े। बाबा ने पर्चा दाखिल करने के बाद अपनी प्रथम प्रतिक्रिया में क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं LNV टीवी के माध्यम से। आपको पता नहीं लगू? अच्छा हम बता, चलो हमें बता। दमों से भरो है और पथरिया से भरो। नहीं नहीं, अब हमने भरो ही है फार्म। टिकट कालो, कौन कौन खेल दे टिकट भाई? नहीं लगो नंबर तो कुछ नहीं, अपनो अपन ने लगा लो। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सदा विकास के रहे, जनता की सेवा के रहे। ये रेलें जितनी चली हैं हम ही चला। अब देखेंगे हम के कौन सी चीज रह गई जनता में मिल रहे बैठे निकल के जब आए तो उसके ऊपर फिर अपन काम कर। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि आपको मनाने के भी भारी प्रयास किए हैं, क्या कहेंगे? आइडिया तो वो सहज बात है, मना है काहे ना मना। हमारे पार्टी के लोग हमें मना है काहे ना मना, मनाओ चाहिए। अब हम माने ना माने जा हमारी बात। ताज़ातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNV टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।